दोस्तों अब हम बारबल कर्ल लगाएंगे बाइसेप्स के लिए, जिसमें हम 30 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। और ये मैंने वेट ले लिया है, 5 केजी की प्लेट्स ले लिया है, जिसमें हम पहला अपना सेट करेंगे, जिसमें हम अपना पहला सेट करेंगे 30 रिपीटेशन का। तो दोस्तों पहला सेट किया है 30 रिपीटेशंस का। तो दोस्तों देखो, बात आती है फोम की। कई बार क्या होता है, फोम इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन आपने जो टारगेट सेट किया है रिपीटेशंस का, वो बहुत ज़रूरी है। आपने एक्सरसाइज में भी देखा होगा कि जैसे बोलते बॉडी ऐसे मूव कर रही है, दिक्कत कुछ नहीं है। अगर हैवी वेट हो तब दिक्कत हो सकती है आपकी लोअर बैक पे, बट याद रखिए चाहे आपकी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जिस चीज़ से आपको वेट लिफ्ट करना है वो है आपके आर्म्स यानी बाइसेप्स। इससे आपको फील होना चाहिए कि इससे आपने प्रॉपरली स्क्वीज किया मसल को, तो ये हमेशा याद रखिए। हमारा पहला वर्किंग जो सेट रहेगा उसके रिपीटेशन रहेंगे 8, जिसके लिए मैंने 5-5 किलो की प्लेट और ऐड की है, यानी टोटल हम वन साइड में 10 केजी वेट से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं अच्छा पंप आ रहा है बाइसेप्स में, थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ। पंप देख सकते हैं आप। तो जैसे कि हमने अपना पहला सेट कंप्लीट किया, कितने 8 रेप्स है, वेट को प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है। अब जब मैं इसमें ऐड करूँगा सिर्फ 2.5 केजी की प्लेट ऐड करूँगा, एकदम भी वेट को नहीं बढ़ाना है और उसको स्लो भी नहीं रखना है, मतलब कम भी नहीं रखना है। वेट हमेशा इतना होना चाहिए जिसमें आप वो रिपीटिशन अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। कहने का मतलब आपको फील भी हो कि आपकी मसल को हिट हो रहा है, और इतना भी लाइट ना हो कि आपको फील ही ना हो जिसमें आप 100-200 लगाए जाओ। तो अभी हम तीसरा सेट परफॉर्म करेंगे जिसके हम रिपीटिशन 6 लगाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ मास गेनिंग प्रोग्राम है ये, इस वजह से वेट भी हैवी रखेंगे, रिपीटेशन थोड़े कम हो जाएंगे ताकि, और क्या होता है बेसिकली मास गेनिंग में आपको फेलियर तक नहीं जाना होता है। देखो सबका प्रोग्राम अलग अलग होता है करने का, सबके तरीके अलग हैं। जब हम अपने कटिंग फेज में आएंगे तब एक अलग लेवल पर जो एक्सरसाइज होंगी उसमें आपको पता लगेगा कि मसल फेलियर एक्चुअल में होता क्या है। अभी क्या है, अभी हमें गेनिंग करने हैं। और सबसे बड़ी बात, हर सेट के बीच में एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट का गैप जरूर दें ताकि अगले सेट के लिए मसल भी प्रिपेयर हो जाए वेट को लिफ्ट करने के लिए।
रोनी कोलमैन कैसे बोलते थे, लाइट वेट बेबी? नहीं, हमारे लिए भाई ये भी बहुत है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं सेट्स परफॉर्म कर रहा हूँ, आर्म्स में, बाइसेप्स में पंप आता जा रहा है, और इसी तरह आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अब हम अपना तीसरा वर्किंग सेट लगाएंगे, या कह सकते हैं चौथा, वार्म अप सेट को भी इंक्लूड करे तो, वैसे मैं इंक्लूड करके ही चलता हूँ, तो कह सकते हो तीसरा चौथा, जिसमें हमारे रिपीटेशन 4 रहेंगे, फिर उसके बाद हम पांचवा लगाएंगे जिसमें हमारे रिपीटेशन सिर्फ 2 रहेंगे। और सेट के बाद आपको पानी यानी वाटर इंटेक जरूर करना है, नॉट इन लार्ज क्वांटिटी बट मिनिमम क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं घूट 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 भर के पानी पीना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडीज हम जब 1 आवर की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो वाटर लेवल होता है, यानी कह सकते हैं अगर मैं मिलीलीटर की बात करूं तो 350 और 400 ml के अराउंड हमारा बॉडी वाटर लॉस होता है, जिसको हमें एक्सरसाइज के टाइम ही इंटेक करना होता है, ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे और हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। अब हम लगाएंगे अपना फोर्थ सेट, जिसके रिपीटेशन होंगे 4, और हमने हमारा वेट हो चुका है टोटल 30 kg प्लस में रोड का वेट। ये कोई ईगो या बढ़ाई लेने वाली बात नहीं है, बस ये मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करना है। देखो, कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर, परफेक्शन के पीछे कभी मत भागो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो शायद ज़िंदगी में भागते ही रह जाओगे, क्योंकि परफेक्शन ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर पेशेंस, योर प्रैक्टिस और योर कंसिस्टेंसी। तो इसलिए परफेक्शन के पीछे कभी मत भागो, सिर्फ कंसिस्टेंसी से अपने वर्क को परफॉर्म करो, वही परफेक्शन लाएगी एक ना एक दिन। तो ये जरूर रखना है याद। तो अभी हम एक लास्ट सेट लगाएंगे जिसमें हम सिर्फ 2 रिपीटेशन लेंगे, जिसमें मैं 2.5 kg और ऐड करूँगा दोनों तरफ, 2.5 kg। तो जो ओवरऑल मेरा जो वेट हो जाएगा, वैसे क्या बात है, मैंने आज थोड़ा अपना लेवल ब्रेक कर दिया, तो वो हो जाएगा नियर अबाउट, रोड का वेट होगा 15, 20, 40, यानी 50 kg बारबेल कर्ल फॉर माय आर्म्स, फॉर माय बाइसेप्स, 50 kg। बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, खुद के लिए खुशी हो रही है कि धीरे धीरे ये प्रोग्राम इतना इफेक्टिव है कि आपकी बॉडी पे वर्क करेगा और आपके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। आप खुद को मतलब करोगे, अगर परफॉर्म करोगे तो आप खुद ही नोट करोगे। तो अब मैं लास्ट सेट कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा लास्ट सेट होने वाला है जिसके मैं सिर्फ 2 रिपीटेशन लूँगा, 5, 5, 10, 15 और 2.5, 17.5। इधर भी सेम 17.5, 17.5, यानी 35, और अराउंड आपकी 15 से 18 के बीच में ये रोड होगी। तो ये ऑलमोस्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ 35, 15, 50 kg वेट बारबेल कर्ल। दूसरों की क्या से पहले पहले खुद को जय करें। चलो
एक और ट्राई। भगवान की दया से दो बोले थे, तीन लगा दिए, मेहरबानी है भगवान की। तो दोस्तों ये हमारी बारबल कर्ल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो परफॉर्म करेंगे वो कहेंगे कंसंट्रेशन कर्ल।